तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और आपको पता है ये स्टैंडर्ड 9th का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमें क्या करना क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें करना यह है कि तीन अलग अलग हमें इरेशनल नंबर्स खोजना है, जहां तहां नहीं बल्कि एक रेंज दिया गया है। हमें तीन अलग अलग इरेशनल नंबर्स खोजने हैं और वो ये दोनों 5/7 एंड 9/11 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कहीं पर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में अगर यहां पर लाई करता है 5/7 और यहां पर है 9/11, तो इसके बीच में इस जगह पे, यहां पर इस जगह पे, इन सारे जगहों पे बहुत बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आपको उनमें से सिर्फ तीन, ओनली थ्री इरेशनल नंबर्स आपको ढूंढ के निकालने हैं। तो देखिए इसके लिए दो प्रोसेस होंगे। एक पहला प्रोसेस जो कि आपको सिखाया जाएगा क्लासरूम्स में और जो कि शायद आप एग्जाम में भी यूज करने वाले हैं, ये बहुत ही छिंचला तरीका है, जो पहला तरीके पे मैं बात करने वाला हूं। और जो दूसरा तरीका है ये उससे थोड़ा बेहतर तरीका है और आप इसे मैथमेटिशियंस वे कह सकते हैं। इसके और भी बेहतर तरीके होंगे, मैं आज के वीडियो में फिलहाल तो इन दोनों तरीकों पर ही बात करूंगा। सबसे पहले वो तरीका जो कि आप एग्जाम वगैरह में यूज करेंगे और जो कि ये बताएगा कि हाँ भाई इरेशनल नंबर का सेंस आपके पास है, ओके? और फिर हम दूसरे तरीके पे बात करेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहला तरीका बड़ा ही छिंचला और बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। तो पहला तरीका में हम करते क्या है, जो नॉर्मली आप सीखेंगे उसमें इसे हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लेते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लेते हैं और फिर उस एक्सपेंशन को अगर आप देखें दो नंबर्स को जो कि डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंटेड हो, तो उनके बीच का कोई भी एक नंबर लिख के फिर रैंडमली डिजिट असाइन कर दे, आप कहेंगे हाँ भाई ये जो है इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे, चलिए 5/7 इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो 5/7, सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट लगाए, यहां 0 आया, 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आया, 1 रिमाइंडर, फिर बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, 1 आएगा यहां पर 7, 3 आएगा 0, 4 28, ये 0 है, 2 आया 0, फिर यहां पर आएगा 2 14, फिर यहां पर आएगा 6 0 और 7 × 8 = 56, फिर 4 आएगा 0, यहां पर 5 आएगा एंड 35, फिर आ गया 5, फिर से 5 आएगा और 0 बाय डिफॉल्ट, तो हम यहां पर पहुंच गए, तो फिर से 7 आएगा, आप 7 × 7 = 49, यहां पर फिर से 7 आएगा इस जगह पे, तो आप कह सकते हैं ये जो है ये रेकर करेगा। सो दिस वन इज इक्वल टू 0.714285 एंड दीज डिजिट्स आर रेकरिंग। ओके, पहला तो हमने कर लिया, दूसरा देखें 9/11, सो 9 को 11 से डिवाइड करें, डेसिमल पॉइंट लगाए, ये 90 हो गया, 8 × 11 = 88 एंड यू विल हैव 2 है एंड 11 × 1 = 11, अगेन आपको 9 यहां पर मिलेगा, 0 आया तो 90, तो यहीं पर हम पहुंच गए, तो फिर से 8 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये हो गया 0.81 रेकरिंग। सो 9/11 = 0.81 रेकरिंग। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच आपको एक तीन नंबर ढूंढ के बताना है, तीन नंबर, और वो इरेशनल नंबर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला जो नंबर होगा लेट्स से दैट इज ए, उसे हम लिखेंगे 0.72 से शुरू कर देते हैं, चलिए ऑब्वियसली इससे बड़ा हो जाएगा ये और 0.81 से छोटा हो जाएगा ये, तो 72 से हमने शुरू कर दिया, अब कुछ भी यहां पर लिख दे 3 4 9 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2, जो मन यहां पर लिख दे और बाद में डॉट लगा दे, मैं यहां पर इसे मिटा देता हूं। तो ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, और लिखने की जरूरत है, आप खुद ही लिख लेंगे, और यहां पर मुझे और एग्जांपल देने की जरूरत है, चलिए मैं एक और दे देता हूं, चलिए 0.75 कर देते हैं, 75 से शुरू करते हैं, 75 इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, सो 7 5 3 9 0 5 2 0 0 1 0 1 5 0 0 2 डॉट लगा दें,
तो ये इरेशनल नंबर, देखिए कोई पैटर्न नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। शायद एग्जाम में नंबर आपको मिल जाए, शायद स्कूल में बाकी जगहों पे आप यही सीखे, दिस इज नॉट अ गुड वे। क्या किया जाए? बेहतर तरीका देखते हैं, बेहतर तरीका देखते हैं। इसे मिटा दूं? चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। अब करना क्या है देखें, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं नंबर लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये वो नंबर लाइन है और यहां पर है 5/7 और यहां पर है 9/11। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच, इन दो नंबर्स के बीच क्या आप तीन रैशनल नंबर पता कर सकते हैं? चलिए इरेशनल नहीं, पहले तो रैशनल नंबर आप पता कर ले, उसके बाद उसी को इरेशनल में हम कन्वर्ट करेंगे। क्या तीन रैशनल नंबर आप खोज सकते हैं? बिल्कुल खोज सकते हैं, बहुत आसान है। एक तरीका जो कि बहुत ही हेल्पफुल तरीका है वो ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर आप सेम कर दें, दोनों फ्रैक्शन का। कैसे कर सकते हैं? इसी चीज को 7 के जगह 77 कर सकते हैं, यहां 11 के जगह 77 कर सकते हैं। यहां अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन तो चेंज नहीं होगा। सो 5 × 11 इज 55, 7 × 11 इज 77। और यहां क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया हमने, 11 से मल्टीप्लाई किया, और इसे क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करते साथ ये क्या बन जाएगा, देखिए ये 63/77। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं, 55/7 और ये जो है ये है 63/77, ये है 63/77। अब इनके बीच में रैशनल नंबर आप बहुत सारे खोज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 55/77 से शुरू कर रहे हैं, सो 56/77। ध्यान दे, 56 जो है 55 से बड़ा है और 63 से छोटा है, तो ये बीचों बीच कहीं पर आएगा। सिमिलरली 57/77, ये भी बीचों बीच कहीं पर आएगा। सो इस तरह से आप 58/77 भी कह सकते हैं, सो ये भी कहीं यहां पर आएगा, एंड सो ऑन। मतलब इस रेंज के बीचों बीच ही आएगा। ये 58 जो है 63 से छोटा है, 55 से बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप समझ रहे होंगे ये नंबर्स जो है ये बीचों बीच कहीं पर आएगा। अब अगर इस नंबर को हम नियरली वन, वन के बहुत करीब एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस से वो नंबर है 1.01 या फिर 1.001, तो ऐसे नंबर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, तो फिर वो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो इसके बहुत क्लोज होगा। क्योंकि यहां पर देखिए 1.01 वन से सिर्फ 1% बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 1% बड़ा है। सो जो 56 है उसमें इंक्रीमेंट होगा 5.5 का, माफ कीजिएगा 0.5 का, 0.5 का इंक्रीमेंट होगा। सो 0.5 56 में अगर 0.5 का इंक्रीमेंट हो तो 56 जो है 63 को पार नहीं करेगा। हम बहुत ही क्लोज, वन के बहुत ही क्लोज एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, वो नंबर जो है रिजल्टेंट नंबर इन नंबर्स के बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज। तो ऑब्वियसली वो नंबर्स जो है इस रेंज को पार करके नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं चीज को, ठीक है? तो फिर वो जो नंबर है वन के बहुत करीब नंबर, ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे जो कि इरेशनल नंबर हो। कैसे? चलिए लेट सी। देखिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ टू है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इसे हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे समहाउ। सो स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है ये होता है 1.4142, इस तरह से डिजिट्स चलते जाएंगे। अब आप गौर करें, हम स्क्वायर रूट ऑफ टू को नियरली इक्वल टू 1.4 कह सकते हैं, नियरली इक्वल टू। तो फिर यही स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है दैट इज नियरली इक्वल टू 1.4, इसे हम 7/5 कह सकते हैं। 7/5 आप कैलकुलेट करके देख ले, दैट विल बी 1.4। नाउ अगर हम इस साइड में और इस साइड में 5/7 से मल्टीप्लाई करें, देन वी विल हैव 5√2/7 विच इज नियरली इक्वल टू, यहां 5/7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाएगा। सो दिस टर्म, ये फ्रैक्शन जो है ये 1 के बहुत करीब होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। एक बार कैलकुलेट कर ले, एक बार चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं
टू का स्क्वायर रूट पहले हमने पता कर लिया, फिर उसे मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, फिर हम उसे डिवाइड कर देंगे 7 से, एंड वी विल हैव 1.0101। तो 1 के बहुत करीब मिल गया ना हमें नंबर, सो दैट इज 1.01015। सो दैट इज दिस टर्म इरेशनल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है यहां पर। ये जो है दैट इज नियरली इक्वल टू 1.01015। सो ये 1 के बहुत करीब नंबर है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है, देखिए 1% का डिफरेंस, ये 01 जो बाद में है। तो फिर अगर इस नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये एक रैशनल नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो यहां पर था जो रिजल्टेंट नंबर होगा इसके बहुत क्लोज होगा। तो देखिए हम इरेशनल नंबर भी बना लेंगे और इस रेंज के अंदर भी रखेंगे। तो फिर वो जो 3 नंबर्स हैं हम कह सकते हैं वो 3 नंबर्स, ए पहला वाला जो होगा 56/77 इनटू 5√2/7। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे आप ये पाएंगे इस रेंज के अंदर आएगा। कैलकुलेट करके देख ले रेंज क्या था, यहां पर जो था यहां पर ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में एक बार मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि उस रेंज के अंदर होगा या नहीं। तो यहां पर ये जो था 5/7 जो था ये हमने कैलकुलेट किया था, ये था 0.714285 और ये रेकरिंग है, और ये जो था ये था 0.81 रेकरिंग। एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इस रेंज के अंदर है या नहीं। चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे रूट टू को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट टू इंटू 56 × 5, सो 56 × 5 डिवाइडेड बाय 77 डिवाइडेड बाय 7, सो दैट इज इक्वल टू 0.734656 एंड सो ऑन। तो देखिए 73 से शुरू हो रहा तो इसके और इसके रेंज के बीच में है, सो ये एक नंबर हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आप आगे बढ़े, बी आप 57/77 कह सकते हैं, और इनटू नियरली 1 से मल्टीप्लाई कर ले, दिस इज नियरली 1, दिस टर्म इज नियरली 1, तो आपको नंबर जो है यहां पर कहीं पर मिलेगा। इसे भी आप कैलकुलेट करके देख ले, ये भी इसी रेंज के अंदर आएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ये जो नंबर है, ये नंबर दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से आप थर्ड नंबर भी पता कर ले, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। सबसे पहले देखिए क्यों है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, इसके साथ आप रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल ये इरेशनल ही रहेगा। सेम लॉजिक यहां भी लगा है कि चूंकि ये पूरा का पूरा इरेशनल है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो होगा ये इरेशनल होगा, इरेशनल, और ऐसा इरेशनल नंबर जो कि इस रेंज के अंदर आ रहा है। अब ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ किया था, आप एक बार पाई के साथ करके देखें, आप पाई के साथ भी ये चीज करके देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पाई विच इज नियरली इक्वल टू 22/7, नियरली इक्वल टू 22/7। अब अगर 7/22 से मल्टीप्लाई करते हैं आप इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो आप पाएंगे 7π/22, और 7/22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाएगा। सो दिस इज नियरली 1, तो इसके जगह पे आप इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं 7π/22, सो 7 × π डिवाइडेड बाय 22, दैट इज इक्वल टू देखे 0.999597, सो 0.999, ये 1 के बहुत करीब है। पिछला जो नंबर था 1.01015, ये भी बहुत करीब है, उससे भी ज्यादा करीब है, उससे भी ज्यादा क्लोज है। तो आप यहां पर 5√2/7 के जगह 7π/22 भी लिख सकते हैं। सो थर्ड नंबर मैं यहां पर लिख दूं इस फॉर्मेट में, सो थर्ड नंबर सी 58/77 7/π/22, सो ये हो गया आपका थर्ड नंबर, इरेशनल नंबर, इसी रेंज के अंदर रहेगा ये। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा।
अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।